back to Movie Biz, Avanti Films ka Movie Biz. We have Narendra Gupta with us and we are going to talk about Bollywood movies. अभी इस हफ्ते जो रिलीज हुई हैं फिल्में वो है अक्षय कुमार राधिका मदन की फिल्म जिसका नाम है सरफिरा और एक साउथ का बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है उसकी जिसका नाम है इंडियन टू या हिंदुस्तानी टू. प्रोड्यूसर्स भी कंफ्यूज थे, कुछ समझ नहीं आया, बट दे हैव फाइनली एस्टैब्लिश्ड इट एज हिंदुस्तानी टू जिसमें कमल हासन है और सिद्धार्थ है. आपको याद होगा सिद्धार्थ जो रंग दे बसंती में आया था हिंदी में भी. तो दो फिल्में रिलीज हुई हैं, दोनों बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में कुछ रोशनी लाने की कोशिश कर रही हैं या नहीं, क्या इसका नतीजा रहा है और क्या इसकी बॉक्स ऑफिस की परिभाषा है, क्या इसकी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से रिव्यू है, हम जानेंगे नरेंद्र गुप्ता जी से क्योंकि इन्होंने हिम्मत की दोनों फिल्में देखने की. इनका हमें काफ़ी एहसान मानना चाहिए. थैंक यू नरेंद्र जी फॉर सीइंग टू बिग फिल्म्स. लेट्स नो द रिव्यू. या बात करते हैं सरफिरा की. जी, लगता है इसके मेकर्स का वाकई सर फिर गया था जो इन्होंने ऐसी बेहुदा हिंदी फिल्म बनाने वाली. साउथ की रीमेक है, 2020 में आई थी जिसमें सूर्या हीरो थे, लेकिन वो थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी, कोविड पीरियड था इसीलिए इसे OTT पर रिलीज किया गया था. अच्छा। लोगों ने पसंद किया लेकिन चूंकि OTT पे थी इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू पता नहीं हो सकता है कि कितना जनरेट करती थी पिक्चर अगर थिएटर में आती. और हिंदी में भी इसको डब करके उड़ान नाम से OTT पे चल रही है, तो लोगों के लिए सब्जेक्ट कोई नया नहीं था. जो OTT पे फिल्में देखते हैं उनको पता है कि ये पिक्चर क्या थी. और सबसे पिक्चर का माइनस पॉइंट ये है कि अक्षय कुमार ट्रेलर में ही लोगों को बता रहा था कि ₹1 में कोई भी आदमी ट्रेवल कर सकता है. बट ये रियल कहानी है, जी गोपीनाथ की कहानी है जो एक्स ऑफिसर थे एयरफोर्स के, डेकन एयरलाइन, बाद में उन्होंने शुरू की, उन्होंने रिजाइन किया और उनका सपना था कि हर एक आम आदमी ₹1 में कैसे ट्रेवल कर सके. थॉट अच्छा था. और वाकई 25 अगस्त 2003 को उन्होंने डेकन एयरलाइन शुरू की. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ सालों के बाद ये एयरलाइंस बंद हो गई थी, तो आज की डेट में कोई ₹1 में ट्रेवल नहीं कर सकता है. तो ये बेहुदा ख्याल था कि उसी फिल्म को हिंदी में रीमेक करके बनाया जाए. उन्होंने सोचा होगा ना कि बायोपिक की तरह हम इसको प्रेजेंट करें, लोगों को बताएं कि ये भी हुआ है कि ₹1 में भी भले 10 टिकटें बेची थी उन्होंने, बाद में रेट्स बढ़ा दिए थे, बट एटलीस्ट ये न्यूज तो है, बायोपिक वैल्यू तो है. बायोपिक वैल्यू लेकिन आदमी को कनेक्ट नहीं करती पूरी पिक्चर. अच्छा, ट्रीटमेंट में आजकल की डेट में क्या है कि बायोपिक से लोग तंग आ चुके हैं. सिर्फ एक फिल्म बायोपिक चली है जो पिछले 12 महीने में, वो थी 12th Fail. एक नहीं दो नहीं कई सारी बायोपिक लाइन से फ्लॉप हुई है. खुद अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज थी, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. इसकी प्रशंसा थी राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत की, वो भी 55-60 के अंदर सिमट गई, वो भी हिट नहीं थी. तो कई सारी बायोपिक चंदू फ्लॉप पिक्चर है. मैदान अक्षय अजय देवगन की, वो भी फ्लॉप. तो बायोपिक से लोग लगता है अभी तंग आ चुके हैं. एग्जैक्टली, लोगों को नहीं कनेक्ट कर पाते जब तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं हो, ट्रीटमेंट भी वैसा नहीं. सर, एक जमाने में बायोपिक चली थी जैसे मैरी कॉम बोल सकते हैं, दंगल बोल सकते हैं आमिर खान की, लेकिन बहुत चुनिंदा फिल्म है. जो मिल्खा सिंह की कौन सी थी, मिल्खा सिंह फरहान अख्तर की, वो बहुत कम फिल्म है. लेकिन फ्लॉप फिल्मों के लिए बायोपिक की बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट दीपिका की देखिए छपा गई थी, बहुत बड़ी फ्लॉप थी, वो भी बायोपिक थी. तो बायोपिक से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. और जब बिना शोर शराबे के प्रमोशन के और जिसमें इतना बड़ा स्टार अजय अक्षय कुमार हो वो रिलीज होती है, तो लोग को पता भी नहीं है कि ऐसी फिल्म कोई थिएटर में आ भी रही है. अक्षय कुमार भी वैसे लगता तो है कमर्शियल हीरो, मेनस्ट्रीम हीरो, तो बायोपिक में शायद मैच नहीं हुआ. गोपीनाथ का जो कैरेक्टर दिया ऐसा तो कुछ है नहीं. अक्षय की एक्टिंग काफी डिसेंट है लेकिन उनके हिसाब से रोल ठीक था नहीं. क्या? उसके लिए कोई यंग डायनामिक चाहिए था जिसने रिजाइन किया. अच्छा, और जोर लगा के एक एयरलाइन शुरू की, वो नहीं. पूरी पिक्चर में खाली अक्षय कुमार एक सेविंग पॉइंट है. बाकी परेश रावल को 4 सीन दिए गए हैं, राधिका मदन टोटली मिसकास्ट हैं, वो लगती नहीं है गांव की औरत. और अक्षय कुमार का लुक्स दिया है ना काफ़ी वियर्ड है. कभी एक्स आर्मी ऑफिसर में बहुत अच्छे नजर आए हैं, कभी गवार टाइप के लगे हैं. और तो डायरेक्टर जो सुधा है उन्होंने हुबहू फ्रेम टू फ्रेम पिक्चर कॉपी करके बना डाली है. ये नहीं कुछ इंडियनाइज उसको हिंदी दर्शकों के हिसाब से चेंजेस किया, यूनिवर्सली समझ आए वो फीलिंग नहीं आती. एग्जैक्टली,
बट कहानी शॉर्ट में है क्या, व्हाट इज इट? हमको मतलब बताना है दर्शकों को, भले हम सबको पता है गोपीनाथ जी ने डेक्कन एयरलाइन शुरू हुई थी, बट लेट्स रिफ्रेश आवर मेमोरीज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज, प्लॉट क्या है। आर्मी में, एयरफोर्स में ऑफिसर है अक्षय कुमार। हाँ। और कि अपने फादर की अंतिम समय पे वो टिकट खरीद नहीं पाते। अच्छा। और जा नहीं पाते फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। हाँ। तो उनका सपना रहता है कि एक आम आदमी भी 1 रुपए में टिकट खरीद के ट्रेवल कर सके। अच्छा। तो वो रिजाइन कर देते हैं एयरफोर्स को और उनका प्लानिंग है कि शुरू किया जाए। 20 जगह उनको रिजेक्शन मिलती है, कोई आगे नहीं आता। एट लास्ट उनकी एयरलाइन शुरू होती है और उनका सपना पूरा होता है। ये एक छोटी सी नटशेल में कहानी है। तो ट्रीटमेंट कैसा है ओवरऑल, मतलब इज इट मूविंग स्मूथली, एंगेजिंग है, एब्जॉर्बिंग है, या यू आई मीन गेट दैट फीलिंग की ड्रैग हो रही है? सर बहुत बोरिंग ड्रामा है, काफ़ी सारे फ्लैशबैक हैं, उनका गांव का पीरियड, उनकी एयरफोर्स का पीरियड, बाद में वो जब एयरलाइन शुरू करते हैं, एक्सेप्ट लास्ट का 15 मिनट बोल दें क्लाइमेक्स का, वो थोड़ा एंगेजिंग आपको कनेक्ट करता है। बाकी पिक्चर बहुत ही ड्राई है, ना फिल्म में ढंग के डायलॉग हैं, स्क्रीन पे बहुत ही लचर है, गाने एक भी गाना हिट नहीं है कि जो आपको मोटिवेट करे यार चलो एक अच्छा सॉन्ग भी डाले। तो फिल्म कहीं भी आपको अपील नहीं करती। और वैसे भी अक्षय कुमार को प्रमोशन के दौरान कोविड हो गया। ये अक्षय कुमार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 4 सालों से फिल्मों को कोविड हो गया है। जैसे अक्षय कुमार कोविड में अलग थलग पड़ जाते हैं, वैसे उनकी फिल्में भी अलग थलग पड़ गई हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है। उनकी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ फ्लॉप का, फिल्म लक्ष्मी से, कोई बायर नहीं था, OTT पे आई। उनकी ये 9वीं फ्लॉप फिल्म है थिएटर में, 3 OTT पे लोगों ने पसंद की नहीं की, एक लक्ष्मी, कठपुतली और अतरंगी। 2 फिल्में जो चली, एक थी सूर्यवंशी और दूसरी थी बतौर गेस्ट ओ माय गॉड 2। सूर्यवंशी वाज अ ब्यूटीफुल, वो अच्छी फिल्म थी, एक्शन थी और कोविड के बाद एक बड़ी हिट एंटरटेनिंग फिल्म आई थी, इसलिए चल गई। हाँ। बाकी कोई ग्रेट फिल्म नहीं थी कि आप सूर्यवंशी को याद करें यार। कमर्शियली अच्छी थी, मसाला, मेन स्ट्रीम मसाला बहुत दिनों बाद आया था, कोविड के तुरंत बाद आई थी। और क्या, एक्चुअली अक्षय ना ओवर एक्सपोज हो गए, हर साल में 4-4, 5-5 फिल्में आना किसी आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं है। अभी ईद पे लोग उनको देख के बोर हो चुके थे, फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में पिक्चर, ये सरफिदा, सरफिदा दी, आई थिंक हम खेल खेल में आ रही है, उसके बाद स्काई फोर्स आ रही है 2 अक्टूबर को, फिर दिवाली पे उनकी एक्सटेंडेड गेस्ट रोल वाली फिल्म आ रही है सिंगम अगेन। एक आर्टिस्ट की 5-5, 6-6 फिल्में एक साल में आएंगे तो लोग डेफिनेटली उस आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर देंगे, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। इवन शाहरुख को रिजेक्ट कर दिया था जब उनकी डंकी 3री फिल्म आई थी एक ही साल में। वो डंकी फिल्म गड़बड़ थी, पिक्चर उसकी जवान में चला, वो उसके पहले भी पठान में भी चला। फिल्म में कंटेंट होगा तो चलती है, अक्षय कुमार को हम लोग इस पे ब्लेम नहीं दे सकते, गुड आर्टिस्ट। लेकिन उनको सर्टेन सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने चाहिए। वो बायोपिक में उनकी मिशन रानीगंज नहीं चली थी, अभी ये भी उन्होंने बायोपिक ट्राई की, जबकि वो भी अच्छी फिल्म थी। आपको कलेक्शन बता दूं, कलेक्शन है कल का अक्षय की बॉक्स ऑफिस का पिछले 15 सालों का लोवेस्ट कलेक्शन। कल का कलेक्शन है लेस देन 2.25 crore, और फिल्म की कॉस्ट आती है कितनी, अक्षय की 125 से 150 करोड़। उनकी सेल्फी लोएस्ट वाली कनेक्शन थी जिसका 2.5 करोड़ था, उस रिकॉर्ड को अक्षय ने बीट कर दिया। सर आप देखिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो 5 दर्शक नहीं आ रहे उनकी फिल्म देखने, अक्षय की आज की फीस है कम करके 90 करोड़। आपको हक बनता है 90 करोड़ चार्ज करने का जब आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट नहीं करा सकते फिल्म को, आपके शो कैंसिल हो रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आप खुद ही प्रोड्यूसर हैं, साथ के सूर्या को भी बतौर प्रोड्यूसर झपेट लिया अंदर। लेकिन टोटली हाउ आर द आर्टिस्ट्स एस्थेटिकली, कैसी है, हाउ इज द हीरोइन राधिका मदन? नहीं सर, मिसकास्ट है राधिका मदन। अच्छा, जो अपर्णा बहुत क्या मतलब उसका लुक गांव वाली लड़की लगी नहीं सर, जो अपर्णा जो ओरिजिनल में थी आप देखेंगे काफी अच्छी लगेगी। सर ओरिजिनल डेफिनेटली अच्छी है, उसने कॉपी फ्रेम किया, लेकिन हिंदी दर्शकों को ख्याल में रख के फिल्म नहीं बनाई गई। सुधा की फिल्म थी साला खड़ूस, काफी डिसेंट फिल्म थी, माधवन जिसमें कोच बना था, माधवन, लेकिन ये फिल्म उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती सर। तो फिल्म में क्या है ऐसा जो हाईलाइट लगा, हाईलाइट कुछ तो होगा फिल्म में जिसने आपको एक्साइट किया, एंगेज किया, आप बैठे रहे पूरी फिल्म में, व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द फिल्म? एक्साइटमेंट था कि फिल्म अक्षय कुमार एयरलाइन कब शुरू कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट था। पिक्चर की लंबाई 2 घंटा 35 मिनट, तकरीबन 2.5 घंटे की फिल्म, तो और 2 घंटे से ज्यादा अक्षय कुमार खाली कोशिश कर रहे हैं एयरलाइन शुरू करने की। लोग तंग आ जाते हैं, भैया अब तो एयरलाइन शुरू कर, क्लाइमेक्स में जाके एयरलाइन शुरू होती है, तो रिलैक्स मिलता है। एग्जैक्टली,
ऑन द होल डायरेक्शन वगैरह एक्शन ये बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्शन वैल्यूज? नथिंग ग्रेट, क्योंकि पूरी फिल्म 90% गांव में शूट की गई है, जिस गांव में लाइट नहीं है, खाना पीना नहीं है, बैलगाड़ियों से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो लुक नज़र आता है, लेकिन पिक्चर आपको बोर करती है सर, आपको कोई भी रिलीफ नहीं देती, एंटरटेन नहीं करती किसी भी रूप में, तो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर है बॉक्स ऑफिस पर राजीव सर। डिजास्टर मतलब क्या, कितना? ये तो मैं समझ गया, चलो फर्स्ट डे कलेक्शन बहुत ही सर, 15-20 करोड़ लाइफ टाइम होगा तो बहुत बड़ी बात होगी इस पिक्चर के लिए। दैट इज अ फियास्को, हॉरिबल फियास्को। मतलब इसकी कैटेगरी आप बोल कर सकते हैं बड़े मियां छोटे मियां के हिसाब से। 350 करोड़ की फिल्म थी, लाइफ टाइम कलेक्शन 50 करोड़ नहीं हुआ, ये 150 करोड़ की फिल्म है, 15-20 करोड़ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस, 20 करोड़ मतलब 8-9 करोड़ ही आया प्रोड्यूसर को। सोचिए जो कल की जो तीसरे वीक में चल रही है उसका कलेक्शन सरफिरा से ज्यादा है, तो लोगों ने मतलब किस हद तक रिजेक्ट किया है सरफिरा को, ये आपके सामने है। तो दिस इज सैड, इट्स रियली वेरी सैड। तो ऑन द होल सरफिरा लुक्स लाइक यू कैन कॉल इट अ फ्लॉप। उसी से जज करते हैं फिल्म चली की नहीं चली, पे 5 मिलियन व्यूज मिले, 10 मिलियन उसका कोई मायने नहीं रखता। आर्टिस्ट को चाहिए बॉक्स ऑफिस, एक बॉक्स ऑफिस फिल्म चले, और वो अक्षय की फिल्में पिछले 4 सालों से नहीं चल रही है। So that's it from this episode. We have Akshay Kumar's film Sarfira. Aur badi afsos ki baat hai because we all love Akshay Kumar. He's been a superstar. He's been an extraordinary box office opening batsman. But this time he has failed miserably and we feel sorry for that. Anyway, wishing all the best to box office. Wishing all the best to our Bollywood. See you again soon. Thank you. Thank you.